राम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं आ चुका हूँ इंदौर की एक ऐसी चौपाटी पर, मशहूर चौपाटी सराफा चौपाटी, जहाँ पर आपको दिन में तो सोने चांदी की दुकानें मिलेगी, अगर रात आते हैं ना या जन्नत का नजारा, खाने पीने की दुकानें आपको मिल जाएगी। तो मैं आ चुका हूँ सराफा में, ठीक है, जहाँ पर एक दुकान है सावरिया चाट हाउस, जहाँ पर आपको शुद्ध अमूल घी में छोले टिक्का मिलती है। तो आइए हम चलते भैया के पास और भैया से बात जानते हैं कैसे क्या है इसकी मेकिंग। नमस्कार, कैसे आप? बढ़िया। आपका नाम क्या भैया? मुकेश। आपकी जो दुकान है यहाँ पर कितने साल पुरानी भैया और क्या स्पेशलिटी आपकी? दादा मैं 25 साल यहाँ पर हो गए, 2600 साल रनिंग पर है। 2600 साल आपका रनिंग पर। आपके पास क्या क्या वैरायटी मिलती है? हमारे पास आलू की टिक्की मिल जाएगी, भुट्टा की मिल जाएगा, आलू की टिक्किया भी है और भुट्टा की भी है। आपके जो स्पेशल छोले टिक्किया है ना, तो भैया एक हमारे लिए छोले टिक्किया लगा दीजिए। भैया अंकल हमारी मस्त अमूल, ये शुद्ध अमूल में फ्राई होती ना अंकल? ठीक है, ये किस चीज़ का है, इसमें क्या क्या डलता है अंकल? छोले, क्या बात है, इसमें पनीर भी है ना फ्राई करा हुआ। ये किस चीज़ की चटनी? पुदीना वगैरह की, और ये इमली की चटनी है। ये आगे ऊपर से प्याज, इंदौर की जान क्यों, और धनिया, क्या बात है। तो मैं आयुष भाई से बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो आपको पनीर के जो पीसेस है वो दिख जाएंगे। हाँ ठीक है, टिक्किया दिख रही, छोले हैं, भैया ने धनिया का सेव के साथ, अपने इंदौर की जान सेव के साथ मैकिंग भी करी हुई है। तो आइए हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। काफ़ी कड़क है, क्रिस्पी है वो, क्रिस्पी है। जो इसका जो क्रिस्पी बना रहा है ना, जो टिक्किया क्रिस्पी बना वो अलग ही मुंह में आ रहा है। और जो छोले बनाए भैया ने, जो छोले में चटनी डाली, मसालों का उपयोग, भाई एक नंबर है। और इसकी जो प्राइस है ना, मात्र 40 रुपये, 40 रुपये में आपको शुद्ध अमूल घी में छोले टिक्किया कहीं नहीं मिलेगी। आप जब भी सराफा आए एक बार, जो भैया का जो सावरिया चाट हाउस है, यहाँ पर आए, यहाँ पर छोले टिक्किया टेस्ट करें, आपको मज़ा आएगा। आपका जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। एक बार यहाँ पर आना बनता, नंबर वन है ये सराफा की जान है। एक बार आप यहाँ पर वेस्ट किया। व्यूवर्स ने मेरा रिव्यू तो जान लिया, आपका रिव्यू देना चाहेंगे आप? भैया देखो, रिव्यू देने के पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भैया की अमूल बटर में पूरी बनी हुई है फ्रेश, ठीक है, जो टिक्किया इसका जो खुशबू आ रही है, सबसे पहले टेस्ट करने के पहले तो वो खुशबू सूंघ के जो है ना, मतलब मुँह में पानी आ रहा है, जिसमें पनीर वगैरह के पीस वगैरह डाले हैं। तो मैं काम करता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ, उसका रिव्यू बताता हूँ आपको टेस्टी करने। भैया की चटनी जो मीठी वाली है ना, उसका बहुत तगड़ा टेस्ट आ रहा है। साथ में भैया ने जो उसमें पनीर वगैरह है ना, तो भैया ने इसमें फ्राई करके डाले, तक अच्छे से डाले पनीर जो है, फ्राई करके डाला, तो उसका टेस्ट भी मतलब जो वो काफ़ी अच्छे जब तक पक चुका है, पनीर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो साथ में जो घी में बनी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका टेस्ट तो आपको मालूम है कितना आने वाला है। ठीक है भाई, ओके। और अभिषेक ब्लॉग की रेटिंग की तरफ से बात करूँ तो 5 में से कितनी रेटिंग दोगे? भाई देखो, रेटिंग की बात अगर करें और सराफा की बात करें, सराफा इंदौर की जान है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको बेकार तो मिल नहीं सकती है। अगर आप रेटिंग लोगे 5 में से, तो 5 में से आपको ऑब्वियसली बात है कि 5 रेटिंग मिलेगी, क्योंकि सराफा है इंदौर की जान है, तो यहाँ का टेस्ट बहुत तगड़ा है। तो गाइस, भैया के हमने छोले टिक्किया का टेस्ट जो था कर लिया, एक नंबर स्वाद था। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब पहले खाता था तब यहाँ पर जो रेट था वो 40 रुपये था, अब जो भैया ने बढ़ के 50 रुपये कर दिया है, तो ठीक है, 10 रुपये का फ़र्क है, कोई बात दिक्कत नहीं। टेस्ट एक नंबर है, ओपी टेस्ट मिलेगा। तो भैया से हम जान लेते, भैया अगर आपने इंदौर की जनता के बारे में आप कहना चाहते हो, क्या मैसेज देने वाले? इंदौर की जनता से प्यार मिलता है, बिल्कुल। भाई आपके जो स्वाद था, एक नंबर स्वाद था, मज़ा आया। आपको मेरे वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा,
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। साथ में मेरा आयुष भाई है, आयुष भाई का भी चैनल है इंदौरी ब्लॉग्स के नाम से। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आके DM कर सकते हैं। बिल्कुल हम वहाँ पर आएंगे और ब्लॉग को शूट करेंगे। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, जबकि टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी आर होम।